अर्थात इस्लामियों की मूर्ति पूजा की अंधश्रद्धा बहुत अति को पहुंच चुकी थी। पहले तो ये मूर्ति पूजक थे, तो इस अंधश्रद्धा का मोहम्मद ने आकर के खंडन कर दिया, और जितने भी इस्लामी थे ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद को फॉलो करने लग पड़े, क्योंकि इस्लाम धर्म मनुष्य के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म है। इसलिए मनुष्य के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म ज्यादा सात्विक स्टेज में नहीं रह सकता, तो उस धर्म का तेजी से पतन हुआ। अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर तेजी से पतन हुआ, और कामवासना के आधार पर तेजी से पतन हुआ। तो उस धर्म को नया रूप देने के लिए मोहम्मद ने आकर के मुस्लिम धर्म स्थापन किया। ऐसे नहीं कि मुस्लिम धर्म में काम वासना नहीं रही, काम वासना तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़नी ही थी, न कि घटनी थी। तो खून तो वो ही है इस्लामियों वाला। एक बात हुई हिस्ट्री में कि ये जो अरबियंस देश हैं, वहां रेगिस्तानी इलाका है, वहां कुछ पैदाइश नहीं होती है और अभी भी नहीं होती। अभी 100-200 वर्षों के अंदर अंदर तेल के भंडार निकल पड़े, तो इनके कारण ये बहुत धनवान हो गए, नहीं तो पहले तो बहुत गरीबी हो गई थी। क्योंकि जब तेजी से जनसंख्या बढ़ी तो वहां का रेगिस्तानी इलाका इनको धन संपत्ति नहीं दे सका, और जब ये गरीब होने लगे तो इनकी पूर्ति जो अय्याशी की, ऐशो आराम की, जिंदगी बिताने की है, उसमें बाधा आ गई। उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी नजर खुशहाल भारत देश के ऊपर गई, और इन्होंने लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर बड़ी बड़ी सेनाएं बनाकर भारत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लुटेरों की तरह इन्होंने भारतवर्ष को लूटा, आतताइयों के तरह तंग किया, आगजनी लूटमार की। हिस्ट्री में इनके आक्रमण जो भारत के ऊपर किए गए हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो दुनिया में हिस्ट्री के अंदर ये धर्म लोलुप साबित हो जाता है। काम ही तो है ही, लेकिन साथ साथ लोलुप भी। लोभ अर्थात लोलुपता जितना इनके अंदर समाई हुई है, उतना लोभ दुनिया के किसी धर्म में समाया हुआ नहीं, और न इस लोभ के आधार पर कोई धर्म इतना आक्रामक बना, अत्याचारी बना। इसके बाद अगला धर्म है सिख धर्म। जब मुसलमानों का अत्याचार द्वापर के अंत से शुरू होकर, यानी कलयुग के आदि से ही मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो चुके थे, पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कलयुग के आरंभ में हुआ, अर्थात आज से 1200 वर्ष पूर्व। उस समय से लेकर के मध्य कलयुग तक आते आते मुसलमानों का वर्चस्व इतना दुनिया में जास्ती हो गया कि सारे भारत में मुसलमानों का राज्य करीब करीब फैल गया। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में फैलने लगा, और इन लोगों के अत्याचार भी इतने बढ़ गए, खास भारत में, कि जो सीमा से बाहर थे। जबरदस्ती तलवार की नोक से इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, तो उस अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए परमधाम से एक ऐसी आत्मा आई जिसने भारत के उन सोए हुए राजपूतों को जगाया, क्षत्रियों को, और उनको ऐसा ज्ञान दिया कि हट्टे कट्टे राजपूत क्षत्रिय धर्म की आत्माएं, जिनमें थोड़ी अकल कम होती थी, उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वो अंग्रेजों और मुसलमानों से आज तक भी टक्कर लेते रहे। उन्होंने जितनी टक्कर ली है विदेशियों से, विदेशी आक्रमणकारियों से, जितने बलिदान सिखों ने दिए हैं उतने हिंदुओं ने भी बलिदान नहीं किए। तो सिख धर्म ने हमेशा भारत का सहयोग किया। ये जितने भारत के सहयोगी रहे भारतीय परंपराओं, भारतीय सभ्यता के, उतना कोई दूसरा धर्म भारत का सहयोगी नहीं बना। बौद्ध भी सहयोगी रहे,
आदि में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन बाद में इनमें कायरता भरी अहिंसा के कारण कमजोरी आ गई। विदेशी आक्रांताओं ने इनके ऊपर आक्रमण किए तो ये झुक गए और ये बौद्ध ही उनके सहज रूप में अधीन हो गए। अपने बीवी बाल बच्चों को भी सौंप दिया तो बौद्ध ही अधीन हो गए, इसलिए भारत के सहयोगी नहीं बन सके। बाकी रहे सन्यासी, उन्होंने तो दुनिया को ही छोड़ दिया, ग्रस्त जीवन को ही छोड़ दिया। बिना गृहस्थी जीवन के भला राजा ही कैसे चल सकती थी। तो उनका भी सहयोगी होना न होना बाद में बराबर हो गया। जब तक सतो प्रधान थे तो सन्यासी भारत के सहयोगी बने रहे, लेकिन जब तमो प्रधान बने तो इनका कोई सहयोग नहीं रहा। एक सिख धर्म ही ऐसा है राइट साइड का कि जब से ये धर्म उदय हुआ आज से 5000 वर्ष पहले, तब से लेकर अंत तक ये भारत के सहयोगी बने रहे, रामकृष्ण की परंपराओं के पक्षपाती रहे। भले ही निराकार को मानने वाले रहे, लेकिन साथ में देवी देवताओं की भी उपासना इनमें रही। रामकृष्ण की भी इन्होंने महिमा की है, कभी ग्लानी नहीं की। यही एक ऐसा धर्म है जो बाबा की मुरली में प्रवृत्ति मार्ग का दूसरे नंबर का धर्म बताया गया। पहला नंबर देवी देवता धर्म प्रवृत्ति मार्ग का अव्वल नंबर का रहा और दूसरे नंबर का धर्म है सिख धर्म। तो नई दुनिया की फाउंडेशन सब धर्मों के मुकाबले यही एक ऐसा धर्म साबित होता है जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन बनाया जा सकता है। क्योंकि जो देवी देवताएं थे वो तो संघ के रंग में आकर के बिल्कुल ही भ्रष्टाचारी बन गए, क्योंकि पुराना धर्म है, उनको तो इतनी अकल ही नहीं रही, बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते। लेकिन सिख धर्म कोई पुराना धर्म नहीं है, ये तो कलयुग के मध्य में आने वाला नया धर्म है, बाद में आता है। तो जो बाद में धर्म उदय होते हैं वो न ज्यादा तमो प्रधान बनते न ज्यादा सतो प्रधान बनते। तो अंत में भी इनमें कम से कम इतनी तो अकल रही कि कमा करके अर्थात मेहनत करके खाना है, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है और अपने देश में रहना है। उन्होंने हराम की कमाई खाना कभी पसंद नहीं किया, ये आज भी बड़े मेहनती मेहनत कश हैं। तो ये सिख धर्म जो है वो फाउंडेशन बनाया जाता है, ये है देवी देवता धर्म का सहयोगी धर्म। हालांकि सिख धर्म की आज थोड़ी सी आत्में ऐसी भी हैं जो विदेशियों के प्रभाव से प्रभावित होकर आतंकवादी बन गई। वो तो हर धर्म लास्ट में पहुंच करके कुछ न कुछ तमो प्रधान बनता ही है। तो ये ड्रामा बना हुआ आज भी सिखों का कुछ ऐसा हिस्सा है जो भारत के लिए सबसे जास्ती सहयोग देने के लिए तैयार रहता है और तैयार रहेगा। इसके बाद अगला धर्म है आर्य समाज। आर्य समाज का विशेष गुण धर्म है प्रजा के प्रति मोह, जनसंख्या की वृद्धि हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फॉलोअर्स बन जाएं, हमारी नेतागिरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बने रहें, यानी ज्यादा से ज्यादा वोट बनाने की परंपरा इन्हीं आर्य समाजियों में है। इसलिए मुरलियों में इनडायरेक्टली इन आर्य समाजियों को बाबा ने कौरव कहा है। तो भारतीय धर्म, कौरव भी भारतीय थे, लेकिन ये अर्धनास्तिक है। अर्धनास्तिक किस हिसाब से? ये निराकार को तो मानते हैं, यज्ञ परंपराओं की यज्ञ पे क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन साकार देवी देवताओं को नहीं मानते। उनका कहना है इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है। तो आर्य समाजियों का विशेष गुणधर्म है प्रजा की प्रति मोह। कैसे? जब से महर्षि दयानंद आए इस धर्म के स्थापक, तब से उन्होंने एक ऐसा रास्ता भारत के अंदर खोल दिया जिससे दुनिया के कोई भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, नीच से नीच हो, उनको उन्होंने हिंदू बनाना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि हम क्वालिटी बनाए रहे हैं या संख्या बढ़ाए रहे, क्वालिटी भले गिर जाए लेकिन तादाद बढ़ जानी चाहिए। बुद्धि में ये बात नहीं आई कि शेर जैसा एक बच्चा पैदा करना ज्यादा श्रेष्ठ है या गीदड़ों जैसे अनेक बच्चे पैदा कर देना ये ज्यादा अच्छा है।
तो अंजाम क्या हुआ? भारतवर्ष की देवी देवता सनातन धर्म की जो आत्माएं टाइम टू टाइम दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही थी, क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए, दूसरे धर्म की आत्माएं कभी हिंदू नहीं बनी और न हिंदुओं ने उन्हें अपने में कभी मिक्स किया, तो देवी देवता सनातन धर्म से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट जो होते रहे कोई बाद में आकर के आर्य समाज बन गया, माने उन्होंने फिर हिंदुत्व स्वीकार कर लिया। तो मतलब जो देवी देवता सनातन धर्म की कच्ची आत्माएं थी वो ही कन्वर्ट होकर के आकर के आर्य समाज बनती। इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में ये चले गए, इस्लाम धर्म में जब उनको सुख नहीं मिला तो क्रिश्चियन धर्म में चले गए, उसमें भी सुख नहीं मिला तो मुस्लिम धर्म में फिर कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे धर्म में जहां जहां अवसर देखा सुख पाने का वहां वहां सत्व प्रधान धर्मों में घुसते चले गए। लेकिन गीता में जैसा बताया है स्वधर्मो निधनम से यह परधर्मो भयावह, और बाबा ने भी बताया अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म दुख देने वाला है, अपने धर्म में रहना ठीक है। तो इनकी हमेशा ही ये वृत्ति रही कि हमारा अपना कोई धर्म निश्चित पक्का नहीं, जो आया उसी धर्म को अपना लिया, जैसे अवसर देखा वैसे कन्वर्ट हो गए। जैसे आज के नेताएं हैं अवसरवादी, जहां देखी तबा बरात वहां अपने को चेंज कर लिया, वहां बिताई सारी रात। तो ऐसी जो आत्माएं हैं उन्होंने जब भारत में महर्षि दयानंद के द्वारा ऐसे धर्म की स्थापना की बात सुनी तो फट से ललचाए मानू, क्योंकि इनके अंदर संस्कार भरे हुए हैं भारत के स्वर्गीय सुख भोगने के, पुराने संस्कार हैं, जितने उन्होंने भारत में सुख देखे उनकी आत्मा ने अनुभव किए सुख, उतने सुख वो किसी भी धर्म में अनुभव किसी जन्म में कर ही नहीं पाए। धर्म कर्मठ करने से कहीं सुख थोड़ा ही हो सकता है, जहां धर्म होता है पक्का वहां माइट होती है और शक्ति से ही सुख भोगा जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट, जहां आदमी में शक्ति नहीं तो सुख क्या भोगेगा। अंदरूनी शक्ति हो चाहे बाहरी शक्ति हो, जहां धर्म के प्रति मान्यता नहीं वहां शक्ति भी नहीं, माइट भी नहीं रह सकती। तो जो हर धर्म में कन्वर्ट होती हुई आत्माएं अपने को बिल्कुल कमजोर कर बैठी, तो कमजोर हुई आत्माएं फिर आकर के भारत में हिंदुओं के आर्य समाज हिंदू तो को स्वीकार करके आर्य समाजी बन गई। जो धर्म की इतनी कमजोर आत्माएं हैं कि राजसत्ता चलाने काबिल ही नहीं है, इनके राज्य में तो हिसाब वो होगा जो गायन है टका सिर बाजी टका सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, प्रजा के ऊपर प्रजा के शासन को बाबा ने बेकायदे राज्य बताया, अनलॉफुल अनराइटियस राज्य बताया। तो ये धर्म भारत का सबसे नीचा गिरा हुआ धर्म है, तामसी स्टेज का धर्म, अंतिम 100 वर्षों में पनपने वाला है दुनिया के अंदर। जब नास्तिक धर्म की बढ़ोतरी होती है जो लास्ट धर्म है दुनिया का, उसी समय अर्धनास्तिक ये आर्य समाज भी आते हैं। एक तरफ महर्षि दयानंद ने आकर के आर्य समाज धर्म चलाया और दूसरी तरफ रशिया में लेनिन और स्टालिन ने आकर के नास्तिकवाद का आरोपण कर दिया। जितने भी वहां के बड़े बड़े राजाएं जार राजाएं थे उनका कत्ले हम करवाया। तो ये दोनों धर्म आर्य समाज और रशिया का कम्युनिज्म नास्तिकवाद, ये ऐसे धर्म हैं जो राजाई को पसंद ही नहीं करते, न ही राजाओं को पसंद करते हैं और न उनकी प्रजा में रहना पसंद करते हैं। अंग्रेज गवर्नमेंट के समय थोड़े से राजाएं थे जिनको उन आर्य समाजी कौरवों ने पेंशन और उपाधि वगैरह देकर के कम से कम उनका नाम तो कायम रखा था अंग्रेजों ने, लेकिन जब से ये कौरव गवर्नमेंट आई तब से ये हाल हुआ कि राजाओं का नाम निशान गुम कर दिया। अगला 10वां धर्म है नास्तिकवाद। न ये आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, ये सिर्फ द्वेह को ही सब कुछ मानते हैं।
देह के विश्लेषण में इनकी बुद्धि गई है, देह माना मिट्टी। तो तत्वों के अणु अणु का इन्होंने बुद्धि से विश्लेषण कर डाला और अणु बम्ब एटम बम्ब बना लिया, दुनिया के लिए खतरा पैदा कर दिया। और अपने लिए भी ये आत्माएं कंस्ट्रक्शन करने वाली नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन करने वाली आत्माएं। परमात्मा के कार्य में ये सहयोगी नहीं बनती है, लेकिन परमात्मा भी चतुर सुजान है, डिस्ट्रक्शन के स्थूल कार्य में ऐसी आत्माओं को ही निमित्त बनाता है। एक तरफ परमात्मा आता है, ज्ञान का बीज आरोपण करता है, देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं भारत में विशेष आत्माओं को निमित्त बनाता है, और दूसरी तरफ रूस में एटमिक एनर्जी का निर्माण शुरू हो गया। ये इजाद भी इन्हीं लोगों की है, क्रिश्चियन ने तो इसको बाद में अपनाया, अमेरिका ने। तो ये हुए अहंकारी रशियंस। इन सिद्धांतों के आधार पर कोई भी आत्मा पहचानी जा सकती है जो इन धर्मों में बताई। नीचे वृक्ष में ये ऊपर का हिस्सा जो वृक्ष का अंतिम हिस्सा है वो काट करके नीचे कलम लगाए हुए दिखाया गया है। कलम का मतलब है कि हर धर्म की चुनी हुई कुछ विशेष आत्माएं हैं, पुराने षष्ठ रूपी वृक्ष में से कुछ आत्माएं चुनी जाती है, वो ब्राह्मण धर्म में आरोपण कर दी जाती है, अर्थात वो ब्राह्मण धर्म में आ जाती है, परमात्मा उनको खींचता है। तो जो दूसरे दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आई तो निश्चित है कि वो एक जैसी तो हो नहीं सकती। तो उनके यहां तीन ग्रुप दिखाए गए, तीन मुख्य ग्रुप है। जो तीन ग्रुप यहां से मुख्य फैले हैं जड़ों के भाग में, ये तीन ग्रुप हैं। लेफ्ट साइड की जड़ें, राइट साइड की जड़ें और बीच की लोप हुई जड़, जिस पर मुखिया माता पिता षष्ठ रूपी वृक्ष के बैठे हुए दिखाए गए। पहला ग्रुप है देवी देवता सनातन धर्म का पक्का, जिनके मुखिया के रूप में माता पिता बैठे हुए हैं षष्ठ वृक्ष के नीचे, पिता के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा, ये माता पिता के रूप में बिठाए गए। माता के रूप में मम्मा को बिठाया गया है, इसलिए ये नहीं समझना है कि यही मम्मा बाबा है, क्या समझना है, षष्ठी के माता पिता हैं ये जगदम्बा और जगत पिता, एडम और ईव बैठे हैं, जिनको मुसलमानों में आदम और हवा कहा जाता है, जिनके द्वारा नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाया गया। तो निश्चित है कि पिता वाली आत्मा अव्वल धर्म से होती है, अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। देवी देवता सनातन धर्म के भी दो रूप हैं, जैसे हर धर्म की दो मुख्य डालियां हो गई, इस्लाम धर्म के साथ मुस्लिम धर्म जुड़ा हुआ है, क्रिश्चियन धर्म के साथ नास्तिक धर्म रशिया का जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जो देवी देवता सनातन धर्म है वो तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला है, तो उसमें प्रवृत्ति किसकी है, देवी देवता धर्म देवताओं की और क्षत्रियों की। अंतिम धर्म क्षत्रिय धर्म की जो विशेष आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, उनमें मुख्य है राम वाली आत्मा, वो हो गई प्रजापिता के रूप में पार्ट बजाने वाली। राम बाप को कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा राम कृष्ण, कृष्ण को कहा जाता है। तो एडम के रूप में पार्ट बजाने वाली राम वाली आत्मा, एडम के रूप में पार्ट बजाने वाली होती है। मृदुल स्वभाव वाले तो देवता ही होते हैं, उनका जो मुखिया है कृष्ण वाली आत्मा, वो हो गई मीठी मृदुल स्वभाव वाली माता के रूप में पार्ट बजाने वाली, जगत माता अर्थात जगदम्बा। ये जो देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य भाग है बीच वाला, जिन पर ये माता पिता बैठे हैं, ये आदि से लेकर कलयुग अंत तक इसी तरह की आत्माएं हैं, जिनको फॉलो करने वाली जो आत्माएं होती हैं वो अपने धर्म में पक्की रहती हैं, अपने जीवन में तो कभी भी अपने धर्म को छोड़ने वाली नहीं बनती। इसलिए ये थुर भाग में नीचे से लेकर के ऊपर तक सीधा थुर भाग देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को दिखाया गया है।
तो इसलिए बाबा बोलते हैं तुम बच्चे हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, मतलब कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं। आसपास जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं बाइप्लाट जड़ों में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, जड़ों की साइड में बाइप्लाट जड़ें जो दिखाई दे रही हैं, उनमें राइट साइड की जो बाइप्लाट जड़ें हैं वे भारतीय धर्मों की जड़ें, बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म और आर्य समाज की आधारभूत जड़ें। वो जड़ें ऐसी जड़ें हैं जो ऐसा रस लेती हैं जिनसे भारतीय धर्मों का पोषण होता है। नंबर वन, भारतीय धर्म की डालियां जो दिखाई गई हैं राइट साइड में ऊपर की साइड में, तो उनको रस कहां से मिलता है? इन्हीं राइट साइड की जड़ों से रस मिलता है। उन महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, गुरु नानक, महर्षि दयानंद, ये सभी जितने भी धर्म हैं राइट साइड के, वो पवित्रता को विशेष महत्व देने वाले, इसलिए ये राइटियस राइटियस धर्म, ये जो राइटियस धर्म कहे जाते हैं पवित्रता को विशेष महत्व देने वाले, तो इनको रस मिलता है इन राइट साइड की जड़ों से। और जड़ों को जन्म देने वाले कोई बीज होते हैं, तो जो यज्ञ के आदि में बीज बन करके बीजारोपण जो करने वाले होते हैं इन जड़ों का, जिनसे ये जड़ें निकलती हैं, तो ये हुआ दूसरा हिस्सा राइट साइड का। और तीसरा हिस्सा है लेफ्ट साइड का बाइप्लाट जड़ों, जो लेफ्ट साइड की जड़ें हैं वो ऐसी जड़ें हैं, ऐसा फाउंडेशन संगम युग में लगाती है या ऐसा फाउंडेशन लगाने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं यज्ञ के अंदर, जो दूसरे धर्मों से लेफ्टिस्ट धर्मों से आई हुई है, लेफ्टिस्ट धर्मों में कन्वर्ट होकर के अनेक जन्म रही हुई है, कोई इस्लाम धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में, कोई मुस्लिम धर्म में, कोई रूस के नास्तिकवाद में। तो वो आत्माएं जब ब्राह्मण धर्म में आती हैं, परमात्मा उनको खींचता है, तो वो अपने गुण धर्मों को सहज नहीं छोड़ पाती। कौन सा गुणधर्म? वो है कामक वृत्ति, कामक वृत्ति को नहीं छोड़ पाती। क्रिश्चियन धर्म वाली क्रोध वृत्ति को नहीं छोड़ पाती, मुस्लिम धर्म वाली लोभ वृत्ति को नहीं छोड़ पाती, और नास्तिक धर्म की आत्माएं अहंकार की वृत्ति को नहीं छोड़ पाती। तो ये तीन ग्रुप हैं, पक्का स्वदेशी और स्वधर्मी, बीच वाला हिस्सा जो नीचे जड़ भाग से, मुख्य जड़ भाग से लेकर के थुर भाग तक ऊपर तक गया है, और दूसरा हिस्सा है राइट साइड की जड़ों का और डालियों का, जो स्वदेशी धर्म है लेकिन विधर्मी है, और तीसरा हिस्सा है लेफ्ट साइड की जड़ों का और लेफ्ट साइड की डालियों का, जो पक्के विदेशी हैं और पक्के विधर्मी, विदेशी भी और विधर्मी भी। तो ये तीन ग्रुप हुए। वृक्ष के इन तीन मुख्य हिस्से हैं, एक है थुर भाग देवी देवता सनातन धर्म का, और दूसरा है राइट साइड का भारतीय धर्मों का। तो ये स्वदेशी धर्म विदेशी नहीं है, लेकिन स्वदेशी धर्म तो है लेकिन विधर्मी है राइट साइड के। विधर्मी का मतलब विपरीत धर्म वाले, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म का थुर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन उन्होंने जो राइट साइड के धर्म है, इन्होंने विपरीत दिशा, देवी देवता सनातन धर्म के विपरीत यानी विरोधी दिशा पकड़ ली है, तो भारतीय। तीसरा जो लेफ्ट साइड वाले हैं वे विधर्मी के साथ साथ विदेशी भी हैं, राइट साइड वाली आत्माएं विदेशी नहीं है, ये न स्वदेशी है और न स्वधर्मी है, लेफ्ट साइड के विपरीत धर्म वाली है, विपरीत देश वाली है। देवी देवता सनातन धर्म को इनसे जास्ती नुकसान पहुंचा, जितना इन्होंने भारत को, भारत के देवी देवता सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया, उतना राइट साइड वालों ने नहीं पहुंचाया।
तो ये तीन ग्रुप हो गए। जड़ों से ही ये बात साबित हो जाती है। ऊपर के जो विपरीत जो धर्म पिताएं हैं वो इन जड़ों से ही रस लेने वाली आत्माएं हैं जो नीचे दिखाई गई। परमात्मा संगम युग में ज्ञान का रस तो दे ही रहा है, लेकिन उस रस को अपने अपने तरीके से मन मत के आधार पर और अपने गुरुओं की मत के आधार पर ये बाईप्लाट जड़ों पर बैठी हुई आत्माएं उनको अपनाने के लिए मजबूर है, चाहे वो राइट साइड की हो या लेफ्ट साइड की हो। परमात्मा की बताई गई धारणा को सीधे सीधे नहीं अपनाएंगे, ये अपने गुरुओं के थ्रू अपनाएंगे। जैसे गुरु इनको डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन के आधार पर अपनाएंगे, श्रीमत को डायरेक्ट अपनाने वाले नहीं होंगे। तो इस तरह ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जब से शिव बाबा आए और आकर के यज्ञ की स्थापना की, उसी समय से स्थापना करने वाली आत्माओं के साथ साथ नंबर वार डिस्ट्रक्शन करने वाली आत्माओं का भी यज्ञ के अंदर प्रवेश होने लग पड़ा। इसलिए अवैतवाणी में बाबा ने बोला था कि यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले कौन? बाबा ने बताया ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। माँ बाप के बीच में अगर बच्चे दखलंदाजी करने लगे तो उन दखलंदाजी करने वाले बच्चों को विदेशी कहा जाएगा या स्वदेशी? निश्चित रूप से वो विदेशी बच्चे ऐसे यज्ञ में प्रवेश कर गए जिन्होंने माँ बाप के बीच में फ्रिक्शन डलवाई दिया। और राम सीता के बीच में फ्रिक्शन कौन डलवाता है? रावण। बाबा ने कहा रावण जब से आते हैं तब से भारत में से लड़ाई शुरू होती है। तो द्वापर युग से रावण आया तो भारतवासी आपस में लड़ गए। ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माओं ने जिन आधारभूत जड़ों में प्रवेश किया तो उनकी दृष्टिवृत्ति को व्यभिचारी बनाई दिया। ये आधारभूत में जो ब्राह्मण बैठे हुए दिखाए गए हैं जड़ों के साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में बाईप्लाट जड़ों में, ये वो आत्माएं हैं जो सत्युग में जाकर के नंबर वार कम कलाओं वाले नारायण बनते, क्योंकि ये पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, लास्ट वाले नारायण बनते हैं जिनका भारत में कोई गायन नहीं है। सेकेंड नारायण से लेकर एट्थ नारायण तक सिर्फ सप्तऋषियों के रूप में गायन है, लेकिन नारायण के रूप में इनके मंदिर और पूजा नहीं होती, न मंदिर बनते हैं न पूजा होती। तो इन्हीं नारायणी वाली आत्माओं में जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं द्वापर युग से टाइम टू टाइम वो प्रवेश करते हैं और उनमें प्रवेश करके जैसे इब्राहिम की आत्मा ने सतयुग के सेकंड नारायण में प्रवेश किया और उसकी दृष्टिवृत्ति को व्यभिचारी बनाई दिया। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके धर्म पिताओं के पीछे पीछे और भी आत्माएं परमधाम से आती हैं इस्लाम धर्म की। जो सेकंड नारायण सतयुग का बनता है उसकी प्रजा में भी प्रवेश करती हैं नंबर वार। तो दृष्टिवृत्ति को व्यभिचारी बनाने वाले वालों का जिन जिन धर्मों ने सहयोग दिया वो हुए आर्य समाजी और नास्तिक वगैरह। तो वो सहयोग देने वाले और सहयोग लेने वाले आधार मूर्त इस्लाम धर्म की विशेष आत्माएं और उनके फॉलोअर्स, उनकी दृष्टिवृत्ति का जब करप्शन ब्राह्मण धर्म की जो पक्की आत्माएं हैं, जो देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की जो पक्की थी, द्वापर के आदि में उन्होंने करप्शन स्वीकार नहीं किया और वो क्षत्रिय धर्म की आत्माएं देवता धर्म की आत्माएं उनसे भिड़ गई और उनको खदेड़ करके अरब देशों तक भगाई दिए। अरब में जाकर के वो एकदम स्वतंत्र हो गए और ये व्यभिचार करने लगे। इतने तो ये व्यभिचारी होते थे कि अपनी सगी बहनों से भी शादी कर लेते थे, क्योंकि इन्हें तो जनरेशन बढ़ानी थी। यज्ञ के अंदर किसी भी प्रकार के विघ्न आते हैं तो उसका मूल कारण अपवित्रता है, ऐसा बाबा ने बोला है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में काम महाशत्रु बताया है वो काम महाशत्रु विशेष ब्राह्मणों की दुनिया में काम कर रहा है। इसका प्रभाव किस ग्रुप की आत्माओं के थ्रू आता है
इस्लाम धर्म की आत्माओं के थ्रू आता है, और जो धर्म इनके सहयोगी बनते हैं वो सब उस वाइब्रेशन को फैलाने के निमित्त बन जाते और भारत के दुश्मन बन जाते, भारत की प्रवृत्ति को तोड़ देते। राम और सीता के बीच में उनको जुदा करने वाले कौन हुए? रावण का विशेष कार्य है राम को सीता से जुदा ही देना। यज्ञ के अंदर आज से ही वो रावण घुस गया। कहते हैं स्वर्ग में कौन गया? पांडवों के साथ कुत्ता भी गया, कामी कुत्ता। तो वही कामी कुत्ता द्वापर युग से फिर अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखाता है। कहते हैं शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो भस्म हुआ कामदेव। सतयुग में तो अपना कार्य नहीं करता, स्वर्ग में तो अपना कार्य नहीं करता, मर्ज होकर रहता है, लेकिन द्वापर युग से फिर इमर्ज हो जाता। तो वही कामी कुत्ता द्वापर युग से फिर अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखाता है। जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं तो शूटिंग पीरियड में ये सारी यज्ञ की सत्ता को अपने हाथ में समेट करके बैठ जाता अपने सहयोगियों के साथ, क्योंकि रावण का सर अकेला नहीं होता। काम विकार के बाद क्रोधी भी सहयोगी बनते, लोभी भी उसके, मोही अहंकारी रसियंस भी उनके सहयोगी बनते। तो यज्ञ के अंदर पतन होता है, वो इन देहधारी धर्मगुरुओं के द्वारा सबसे जास्ती पतन होता है। ऐसे नहीं कि राइट साइड की जड़ें वो भारत की सहयोगी धर्म वाली है, नहीं, वो भी विपरीत आचरण करने लग पड़ती है। इसका कारण है कि भारतीय जो धर्म है वो इस्लाम धर्म के मुकाबले बौद्ध धर्म कमजोर है, क्योंकि बाद में आने वाला है। क्रिश्चियन धर्म के मुकाबले सन्यास धर्म कमजोर है, क्योंकि बाद में आने वाला है। इसलिए वृक्ष में सन्यास धर्म की जड़ मोटी दिखाई गई है। इसका आधार तो है पवित्रता। कलयुग के अंत में संसार में क्रिश्चियंस का जब अंतिम 200 वर्षों में बहुत फैला हो जाता है, तो ये सन्यासी विदेशों में जाकर के इन विदेशियों के क्रिश्चियंस के अधीन हो जाते, विदेशी संस्कृति को पूरा ही अपने जीवन में ढाल लेते हैं और बहुत ही व्यभिचारी बन जाते। जितने ये भारतीय परंपरा को अपनाने वाले होते थे सतोप्रधान पीरियड में, उतने ही अपने तामसी बनने पर दूसरे धर्म वालों से कहीं ज्यादा पवित्र हो जाते। सिर्फ एक रजनीश की बात थोड़ी ही है, सभी सन्यासियों का ये हाल है। नहीं तो जंगलों में ये पहले रहते थे, शहरों में उनको घुसने की दरकार भी नहीं थी। ये विदेशी धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी विपरीत आचरण करने वाले हैं। शास्त्रों में दिखाया है दानव देवताओं के मुकाबले हमेशा पावरफुल रहे। अगर भगवान उनका सहयोगी न बने तो देवताएं कभी दैत्यों से जीत नहीं सकते थे, हमेशा अधीन ही पड़े रहते। तो ये राइट साइड के जितने भी धर्म है वो बड़ी आसानी से अधीन हो जाते, लेफ्ट साइड के विदेशी धर्मों के अधीन हो जाते। एक सिख धर्म जो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, भारतीय धर्म, अंत तक प्रवृत्ति को मानने वाला है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये गायन सिखों में और प्रैक्टिकल जीवन में भी देखा जा रहा है। तो राइट साइड के सिख धर्म को छोड़कर